ज़्यादा अंदर तक आके है, यहाँ तक तो मैं भी जीवन में पहली बार आया हूँ। इसको मेरे काका जी ने बताया कि ओबलियो की खाड़ी कहते हैं। ओबलियो मतलब इमली के पेड़। यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई 15-20 पेड़ है और दो रास्ते दो नाले आके एक हो रहे हैं, संगम हो रहा है मतलब दो नालों का। इसको ओबलियो की खाड़ी कहते हैं। आज से लगभग हम छोटे थे जिस समय लगभग 15-20 साल के थे उस समय हम यहाँ पे ये जो लकड़ियाँ होती है जलाने की रोटी बनाने के लिए वो लकड़ियाँ हमारे गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और अंदर भागर के अंदर 9 किलोमीटर हम पैदल आते थे और यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक पूरा डंठल इकट्ठा भारा बनाते थे। जो भारा बना के हम ऊपर उड़ियों की धमकी जाते थे। इससे भी आगे उड़ियों की धमकी है और वहाँ पे क्या बता दी आगे बड़े बड़े पत्थर शुरू हो जाते हैं और यहाँ वो लेपर्ड की गुफा इधर आगे इस तरह लेपर्ड की गुफा इधर है। लेपर्ड की गुफा जिसको मतलब उसकी चित्ता की गुफा बोलते हैं। तो वो लेपर्ड की गुफा के आगे गुफा के बाहर बहुत सारी हड्डियां पड़ी है जानवरों की। जानवर मतलब गाय भैंस पशु पक्षी ये मार के ले जाते हैं और अपने गुफा के बाहर वहाँ बैठ के आराम से खाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोर जोन है, अरावली का कोर जोन है, डरावना क्षेत्र है जहाँ सब तरह के जीव जंतु सब तरह की ये जो जंगली जानवर है वो रहते हैं। और इस जानवरों में एक खासियत है, ये मनुष्य पे हमला बहुत कम करते हैं। यदि आप हमला करेंगे तो हमला करेंगे, बाकी हमला नहीं करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ा जानवर तो इंसान ही है। आज जो कोरोना का समय है इसमें एक 300 रुपए का सिलेंडर 15,000 में दे रहे हैं। हाँ वो जानवर क्या, वो जानवर से बढ़कर है, बढ़कर है। 1,000-2,000 के इंजेक्शन लाख रुपए में दे रहे हैं। 10 किलोमीटर एम्बुलेंस में जाता है जाना होता है तो भी 50,000-25,000 रुपए मांगते हैं। ये इंसानों का काम है क्या, मानवता का काम है क्या? सही बात, जानवर को खाता है उसके आहार को खाता है लेकिन मनुष्य को खाता है। लेपर्ड को नहीं खाता है पर इंसान को खा रहा है। ये एक सबसे खराब बात है। आज के ऐसी भयंकर महामारी के दौर में भी लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, मनुष्य का जो फर्ज होता है वो भूल जाता है, वो एक बहुत ही बुरी बात है। एक जो यहाँ बैठे एक चर्चा और है, जैसे ये यहाँ पे जो आनंद है, हम वहाँ पे जैसे जाते थे शहरों के अंदर, वो जो आनंद यहाँ पे वो जबरदस्त है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, बाहर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में मतलब सांस लेते हुए इतना अजीब अच्छा सा महसूस हो रहा है। वहाँ पीछे से घुराने की आवाज आई है, घुराने की आवाज आई है तो हमारा इंडिकेटर लगने शुरू हो गए। वहाँ पे स्थिति ऐसी है, आगे खतरनाक जगह गुफाएं है बड़ी बड़ी उनकी, तो उस गुफाओं के पास में यदि जाने की हम कोशिश करेंगे तो जरूर उनके बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों पे वो कोई आएगा हमला कर देगा तो वो हमारे पे हमला कर सकता है, इसलिए हमने वापस जाना ही उचित समझा। बच्चे साथ में नहीं तो फिर भी रुकने की, क्योंकि जानवर जो अपना क्षेत्र है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, चलना थोड़ा जरूरी है।